टू माय राज चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टीम फारे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही हेल्दी हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। ये उड़द और चने की दाल में मैंने बनाए हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे ये फारे। आइए दोस्तों देख लेते हैं फारा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, मैंने 2 कटोरी ये चने की दाल ली है और 1 कटोरी मैंने उड़द की दाल ली है, इसको मैंने रात भर भिगा लिया था, और 1 कटोरी मैंने चावल भिगा के रखा हुआ है, और ये मैंने हरा धनिया लिया है और हरी मिर्च है, 7-8 हरी मिर्चें हैं, और 1 टीस्पून ज़ीरा है, और नमक स्वाद अनुसार लेंगे। तो पहले हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये मैंने लिया है चटनी बनाने के लिए, टोमेटो लिया है और गार्लिक है, हरा धनिया और पुदीना है, 2 लाल मिर्च है और 3 हरी मिर्च है। इसकी हम चटनी बनाएंगे। तो पहले हम उड़द की दाल और चने की दाल और चावल को, इन तीनों को अलग अलग पीस के रख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं 2 स्पून के आसपास इसको पीसने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा भी दरदरा है, हम इसको 2 स्पून पानी डाल के इसमें इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दाल को पीस के रख लिया है, ये चने की दाल थी, मैंने इसमें ज़ीरा और हरी मिर्च को मिक्स कर लिया है, साथ ही में पीस लिया था, और ये उड़द की दाल है। अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे। ये मैंने हरा धनिया लिया हुआ है, ये हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे, और स्वाद अनुसार हम नमक इसमें डाल देंगे। आप अपने हिसाब से डालिए जितना आपको कम ज़्यादा रखना है। और ये मैंने चटनी भी ऐड की, पीस ली थी, तो मैं इसमें भी नमक डाल देती हूँ, इसमें भी स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दाल को बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है, बस इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करना है कि ये सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। और इसमें बहुत ज़्यादा हमें कुछ डालना नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह, बस धनिया हमें डालनी है, हरी मिर्च, ज़ीरा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, मैंने चावल को भी पीस के रख लिया था, अब इसका हम आटा बनाएंगे। इसमें आटा और मिक्स करके इसका अच्छे से डो बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने आटा लिया है, ये चावल का जो मैंने अभी पीसा था, और आटा मैंने लिया गेहूं का, इसको हम इसमें ऐड करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी इसमें, ताकि हमें एक अच्छा सा इसको डो बनाना है। इतना पहले हम आटा मिक्स करते हैं, और इसमें हम हल्का सा 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें एकदम अच्छा सा डो तैयार करना है। ये डो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें गीला नहीं रखना है, क्योंकि हमको इसमें स्टफ़ ये दाल को भरना है। तो ये देखिए बिल्कुल सूख रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर करके इसको अच्छे से एक डो तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसमें हल्का सा हम पानी डालते जाएंगे और इसको ऐसे, ये देखिए थोड़ा सा हम इसमें 1 टीस्पून पानी थोड़ा सा डालेंगे, और इसको अच्छे से गूंथ लेंगे, ताकि ये अच्छा सा स्मूथ सा ये हमारा डो तैयार हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छा बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, हमें इस तरह का बनाना है, बहुत टाइट भी नहीं, बहुत हल्का भी, पतला भी नहीं करना इसको। तो इसको हम और अच्छे से 1 मिनट तक गूंथ लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पानी रख दिया भगोने में, ये देखिए तब तक ये गर्म होगा। हम एक लोई इतनी बड़ी लेके इसको अच्छे से बेल लेते हैं, और उसके बाद इसमें हम ये दाल को हम स्टफ करेंगे। ये देखिए इतना मोटा हमें करना है इसको। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसको बेल लेते हैं अच्छे से, बहुत बहुत पतला नहीं करना है, बस थोड़ा सा मोटा इसको करना है, क्योंकि ज़्यादा पतला होगा तो ये फटने लगेगा। ये देखिए अभी थोड़ा सा हम और इसको कर लेते हैं, ये थोड़ा सा और रहेगा, इतना पतला हमको बनाना है ये इतना। इसके बाद हम इसको, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा बन गया है। ये देखिए, मैंने गिलास लिया है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं,
जिस साइज का आपको कट करना हो, इससे हम इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा बना है हमारा। ये देखिए, मैंने छोटा थोड़ा बनाया है। अगर आपकी साइज और बड़ी आपको बनानी है तो आप और बड़ा कट कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम सारे को बना के इस तरह से रख लेंगे। सारे आटो सबको बेल के हम इस तरह से कट करके पहले रख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये जाली लिया है, इसमें हम इस तरह से ऑयल लगा देंगे। इसमें अच्छे से ऑयल लगा देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, मैंने इसमें तेल लगा लिया है। और इसके बाद ये देखिए, हमारा पानी भी बॉयल हो गया। इस पर हम रख देते हैं इसको, जाली वाले बर्तन को हम इस पर रख देंगे। और इसके बाद हम ये जो हमने ये बना के रखा हुआ था, ये सारी स्टफिंग हम इसमें इस तरह से ऐसे भरते जाएंगे। ये सारे हम ऐसे भर के रख लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सारा बना लिया है इसको। और इसको इस तरह से उठा के और हम हाफ इस तरह से फोल्ड करेंगे, पूरा इसको बंद नहीं करेंगे और इस पे रखते जाएंगे इस तरह से। गैस का फ्लेम हम फुल कर देंगे। सारे फारे हम ऐसे इस तरह से इस पे रख देंगे। ये देखिए, ये हमारे स्टीम फारे बन रहे हैं। बहुत टेस्टी फारे बनते हैं ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके पास ये जाली का बर्तन नहीं है तो आप इस पे कोई मलमल का कपड़ा हल्का सा इस पे बांध के बना सकते हैं, उस पे भी बहुत अच्छे से बन जाता है। ये देखिए, सारे हम इसी तरह से आधा बंद करके इसको रख देंगे। अब हम इसको कवर कर देते हैं अच्छे से थाली से, ताकि पूरा अच्छी तरह से ये कवर हो जाए। और गैस का फ्लेम थोड़ा सा हम कम कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह पकने देंगे। तब तक हम और तैयार कर लेते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा फारा बन के तैयार हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया है पूरी तरह से। इसको अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, कितने आराम से निकल गया, ये देख सकते हैं आप। बहुत अच्छा फारा बना है। ये उड़द की दाल जो हमने डाली थी, इसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा बना हुआ है। तो सारे फारों को हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हमने जो और बना के रखे हैं उसको भी हम इसी तरह से इसमें डाल देंगे। हम सारे फारों को दोबारा से बना लेंगे और फिर इसको हम कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए, और गैस का फ्लेम हम फुल कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे फारे बन के तैयार हो गए हैं और बहुत अच्छे फारे बने हैं, बहुत टेस्टी हुए हैं। आटे और चावल, उड़द की दाल, चने की दाल मिक्स करके स्टीम फारे हमारे तैयार हो गए हैं। मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। ये बच्चों को भी बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो दोस्तों, अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।